लॉकडाऊनच्या काळामध्ये गरिबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, तशीच परिस्थिती मुख्य जनावरांचीही झाली आहे। या संचारबंदीच्या काळात लग्न समारंभ पूर्णपणे बंद झाल्यामुळे यावर निर्भर असलेल्या घोडेवाल्यांवर सुद्धा उपासमारीची वेळ आली आहे। या घोड्यांना खाण्यासाठी दिवसाला 300 रुपयांचा चारा लागतो, चारा उपलब्ध होत नसल्यानं त्यांना जगवावं कसं असा प्रश्न घोडेवाल्यांसमोर उभा राहिला आहे। शासनानं आम्हाला घोडे आणि कुटुंब जगवण्यासाठी आर्थिक मदत करावी अशी मागणी घोडेवाल्यांनी केली आहे। भंडारा शहर में सर 18-20 घोड़ेवाले हैं और चारा पानी यानी पूरा हमारा जो धंधा है, ये 2 महीने का सीजन है और पूरा 12 महीने का जो मेंटेनेंस है यही धंधे के भरोसे रहता है। और खैर घोड़ा तो है हमारे साथ में और नौकर लोग भी रहते हैं, उन लोगों का भी परिवार है, हमारा ही परिवार है। सरकार से ये मांग है सर उनके चारा पानी की बस सुविधा हो जाए, यही मांग है हमारी। घोड़े ऐसे भंडारा शहर में 18-20 घोड़े हैं तो ये शादी ब्याह में घोड़े चलते हैं। अभी सबके धंधे ठप हो चुके हैं तो अभी कारण ये हुआ है कि घोड़ों को खान पान नहीं हो रहा है, हमारा भी खान पान नहीं हो रहा है। तो अभी घोड़ों को कैसा किया जाए, एक घोड़े को 250 से 300 रोज का खर्चा है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे घोड़े के दाना पानी के लिए कुछ सोई की जाए। प्रशांत पिशे, स्टार महाराष्ट्र न्यूज़, भंडारा।